प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड था, जिसके चलते देश भर में प्रत्येक राज्य व जिले में लोगों द्वारा इस एपिसोड को बड़े ही ध्यान से सुना गया, जिसके चलते बाबा बुड्ढा जी पार्क जालंधर के नजदीक LCD लगाकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया, जिसमें SC कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर एक नूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रदीप खुल्लर, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, रमेश कुमार शर्मा, राकेश कश्यप, मनोहर लाल भगत, गोल्डी भाटिया, डॉक्टर मौलिक नंदा, सुनील चोपड़ा, सुरजीत सिंह भुल्लर, विंकल बिल्ला और राजकुमार राजू सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, वो जो हर महीने अपने दिल की गल जिन्हों अपना मन की बात कार्यक्रम का नाम वो दिता, वो हर महीने लास्ट ऐतवार अखीरी ऐतवार जो कार्यक्रम करते हैं, तो अज उस एपीसोड 100वां एपीसोड अज हो जा रहा। वो अज असी वार्ड नंबर 73 के विधानसभा जलंधर वैसे एक नूर वेलफेयर सोसायटी वालों एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम के मुख मेहमान के तौर पर बहुत सत्कारयोग श्री विजय सांपला जी, चेयरमैन SC कमीशन भारत सरकार, वो विशेष तौर पर अब पहुंचे है। उन्होंने इतने पहुंचने पर निघा जी आयान, उन्होंने नाल बहुत सत्कारयोग श्री रमेश शर्मा जी सांपला जिला प्रधान भाजपा, वो पहुंचे जी आयान, उन्होंने नाल साढ़े जुझारू आगू जलंधर वैस तो श्री रॉबिन सांपला जी, वो पहुंचे उन्होंने इतने पहुंचे जी आयान। मन की बात का 100वां एपिसोड, मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली, लाखों संदेश मिले और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊंगा, देख पाऊंगा, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी थी, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र को आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था। प्रधानमंत्री जी का अज 100वां एपीसोड जिहड़ा मन की बात का असी सारे ने अज इत्थे देखिया, और असी देख जानते हैं कि 100 महीने हो गए, मान लो 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गए कि जिहड़ा है प्रधानमंत्री जी लोगों के नाल उन्हां दी बहुत गंभीरता दे नाल जुड़दे है और हर क्षेत्र की वो खबर भी रखते हैं, क्योंकि जो मन की बात दे विच अपनी गल लोगों तक दसते हैं तो लोग भी उन्होंने हर क्षेत्र तो अपना रिस्पोंस भी देंगे ने, और उदे नाल प्रधानमंत्री जी नू पूरी जानकारी भी पहुँचती है कि देश कित्थे कित्थे की हो रहा, उन्होंने देश के नागरिक किहो जिहियां मल्लां मार रहे ने, कितने दूर दूर बैठे जिथे सुख सुविधावां भी नहीं उत्थे भी किस तरीके ने एक अच्छी भावना दे नाल लोग सेवा कर रहे हैं, ये जानकारी भी उन्होंने उस तो बाद मिली। और एक मन की बात दे लई उन्होंने विशेष रूप से आकाशवाणी नू रेडियो का जिहड़ा आ उन्होंने उपयोग किया, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जिथे कोई तंत्र नहीं जाता उत्थे रेडियो जिहड़ियां उन्हां दे जिहड़े सिग्नल उत्थे पहुँचते हैं, और लोग जिहड़े पिंडां च देहात दे विच वो रेडियो के माध्यम के नाल प्रधानमंत्री जी सारी गल भी सुनते हैं। और अज असी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिकल्प जिहड़े देश के बहुत वड्डियां उन्नतियां ते गए,
उसका कारण सी कि प्रधानमंत्री जी की नज़र जो आईया चीज़ा तो उन्होंने प्रमोट भी होया।